जय भीम। ये तो सभी जानते हैं कि बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की आज अनगिनत प्रतिमाएं मतलब स्टैचू हैं। उनके स्टैचूज की गिनती और भी बढ़ रही है और आगे भी बढ़ती रहेगी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर एकमात्र व्यक्ति है जिनके प्रतिमाएं पूरे विश्व में सबसे अधिक है। तो चलो बात करेंगे डॉक्टर बाबा साहब के सबसे पहले स्टैचू के बारे में। क्या आपको पता है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की सबसे पहली प्रतिमा कब बनाई गई थी? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की सबसे पहली प्रतिमा 1950 में बनाई गई थी, जो ब्रॉन्ज मतलब पीतल की बनाई गई है, और उसका उद्घाटन 7 दिसंबर 1950 में किया गया था, जो बिंदु चौक कोल्हापुर सिटी में है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एकमात्र स्टैचू है जो उनके मृत्यु से पहले स्थापित किया गया। बाकी के सभी स्टैचूज उनके मृत्यु के बाद स्थापित किए गए। तो ये थी जानकारी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सबसे पहले स्टैचू की। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल आवाज़ ए वीडियो।